हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छवि गर्ग। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज का हमारा लेक्चर है मुस्लिम लॉ का, जिसमें आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिबा। देखिए, ये जो हिबा है आपका, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने पार्ट वन में बिल्कुल क्लियरली बताया है कि हिबा किसे कहते हैं और उसके एसेंशियल क्या क्या होते हैं। तो पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे कि हिबा कितने काइंड्स की होती है। तो देखिए, हिबा के चार काइंड्स आपके काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। सबसे पहला है हिबा बिल इवज। क्या हुआ आपका? हिबा बिल इवज। सेकंड होता है आपका हिबा बा शर्तुल इवज। थर्ड होता है आपका सदक एंड फोर्थ होता है आर्यत। तो वन बाय वन करके मैं आपको सारे इसके काइंड जो है डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला है हिबा बिल इवज। देखिए, हिबा की काइंड पढ़ रहे हैं तो इसका नाम सबसे पहले हिबा आता है। फिर आपका जो थर्ड वर्ड है वो है एवज। एवज का क्या मतलब होता है कि रिटर्न में, बदले में। कहते ना भाई, इसके एवज में क्या चीज मिलेगी, तो एवज का मतलब होता है कि रिटर्न क्या है या उसके बदले में कंसीडरेशन क्या है। तो जब हम एवज को कंसीडरेशन या रिटर्न मानते हैं तो हिबा बिल एवज का मीनिंग क्या हो जाता है? गिफ्ट फॉर कंसीडरेशन, कि किसी ने कोई कंसीडरेशन दिया उसके बदले हम गिफ्ट कर रहे हैं। जबकि जब आप हिबा पढ़ते हैं, प्योर गिफ्ट पढ़ते हैं, तो उसमें कोई भी कंसीडरेशन नहीं होता, क्योंकि कंसीडरेशन होगा तो फिर वो कोई गिफ्ट रहेगा ही नहीं। तो जैसे आपके पापा आपको गिफ्ट देते हैं तो आप उनके बदले में कोई कंसीडरेशन नहीं देते, तो वो कहलाती है आपकी हिबा की कैटेगरी में। लेकिन हिबा बिल एवज में क्या होता है कि एक पार्टी आपको कंसीडरेशन देती है और उस कंसीडरेशन के बदले फिर आप दोबारे उसे गिफ्ट करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं गिफ्ट फॉर कंसीडरेशन या फिर हिबा बिल एवज। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके रिलेटिव ने आपको एक कार गिफ्ट करी, क्योंकि उन्हें लगता था जब आप ऑफिस में जाते हो तो आपको जो है बहुत दिक्कत आती है, आपको ऑफिस पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आपके कंफर्ट के लिए उन्होंने क्या किया, आपको एक कार गिफ्ट करी। अब आपकी कार गिफ्ट कर दी, अब दो तीन महीने बाद आपने देखा भाई इस कार से तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मैं बिल्कुल टाइम पे जो हूँ अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ। तो आपको अपने रिलेटिव के ऊपर बहुत ही ज्यादा अफेक्शन आया, बहुत ही आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आई। फिर अब आपके पास जो है दो बहुत ही अच्छे मोबाइल थे, तो आपने क्या किया, मोबाइल जो था अपने रिलेटिव को दोबारे से गिफ्ट कर दिया। अब ये जो आपने मोबाइल गिफ्ट किया, ये क्यों किया? क्योंकि पहले आपके रिलेटिव ने आपको कार गिफ्ट करी थी, तो जो उन्होंने कार गिफ्ट करी फिर उसके बदले आपने क्या दिया, मोबाइल दिया। तो जब आप अपने रिलेटिव को मोबाइल दे रहे हो, वो आपकी साइड से आपके रिलेटिव को गिफ्ट है, और उस गिफ्ट का कंसिडरेशन आपके रिलेटिव ने पहले ही दे दिया जब उन्होंने कार को गिफ्ट किया था। तो जब कोई किसी के लिए कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल इमूवेबल कोई भी चीज आपको डोनेट करता है और उसके बदले फिर बाद में भी आप एक और गिफ्ट डोनर को करते हैं, तो इसे कहते हैं हिबा बिल एवज। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी भी रिलेटिव ने आपको जो है एक सोने की रिंग दी, अब आपने वो रिंग दे दी, उसने कोई भी आपसे कंसीडरेशन नहीं लिया, तो आपने जब उसे गिफ्ट को पहना तो आपको लगा भी उन्होंने बिना किसी लालच के मुझे ये गिफ्ट रिंग कर दी, तो आप उनसे बहुत ही खुश हुए, तो आपने बदले में अपनी कार जो है उनको दे दी। तो यहाँ पे आपको गिफ्ट रिंग हुई थी, तो जब आपने रिंग की गिफ्ट के बाद आपको लगा कि बिना किसी लालच के इन्होंने मेरे को अपनी रिंग दे दी, तो इसका मतलब ये मेरे को कितना अफेक्शन करते हैं, तो आपने भी बदले में उन्हें अपनी कार गिफ्ट कर दी।
तो यहाँ पे गिफ्ट किस लिए हुई है? कंसीडरेशन के बाद हुई है। तो इन चीजों को बोलते हैं हिबा, बिल, एवर। अब हम देखेंगे कि इसके एसेंशियल क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो है कि पास्ट कंसीडरेशन। अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें पहले डोनर डोनी को कोई चीज देता है, उसके बदले में फिर डोनी एक और गिफ्ट करता है डोनर को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कंसीडरेशन है वो फिर पास्ट में हो जाना चाहिए। अब ये जो कंसीडरेशन पास्ट में हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि आपने जो सेकंड गिफ्ट करी है उसके बिल्कुल बदले में ही हो। मुस्लिम लॉ कहता है कि आपने जो कंसीडरेशन दिया पहले गिफ्ट में, जो पहली गिफ्ट हुई, जरूरी नहीं है कि वो सफिशियंट हो, बस इतना है कि वो एक्चुअल में पेड होनी चाहिए, चाहे वो छोटे अमाउंट की हो चाहे वो ज्यादा अमाउंट की हो, लेकिन वो एक्चुअली पेड होनी चाहिए। अगर हमने पहले गिफ्ट में से प्रॉमिस टू पे किया है और उसके बदले दोबारा डोनी डोनर को गिफ्ट करता है, तो फिर वो पास्ट कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। तो प्रॉमिस टू पे नहीं होना चाहिए पहला गिफ्ट। पहला गिफ्ट जो है चाहे छोटे अमाउंट का ही हो, लेकिन वो एक्चुअली में पेड होना चाहिए। इसी चीज को जो है खजूर इनिशा वर्सेस रोशन जहां में भी बताया गया था कि आप जो है जो पहला कंसीडरेशन है वो स्मॉल अमाउंट का हो या बिग अमाउंट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसीडरेशन इज कंसीडरेशन और वो वैलिड होता है, लेकिन शर्त यही है कि वो एक्चुअली में पेड होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी पास्ट कंसीडरेशन। सेकंड है कि इसमें जो हिबा बिल एवज होता है, इसमें दो रेसिप्रोकल गिफ्ट होती है दो पर्सन के बीच में। आपको पता है दो पर्सन तो डोनर और डोनी ही होते हैं, तो जो पहला गिफ्ट होता है वो डोनर डोनी को देता है, ठीक है। अब दूसरा गिफ्ट उस गिफ्ट के बदले में डोनी जो है डोनर को देता है। तो दो ट्रांजेक्शन हो गए, पहले डोनर ने डोनी को दिया, उसके बाद एक और गिफ्ट डोनी ने डोनर को दिया। तो ये रेसिप्रोकल गिफ्ट हो जाती है कि डोनर को डोनी से मिल रहा है और डोनी को डोनर से मिल रहा है। तो यहाँ पे डोनर और डोनी के बीच में दो रेसिप्रोकल गिफ्ट होती है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। देखिए अब जो सेकंड गिफ्ट है उसके बदले में आप प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, आप प्रॉपर्टी के बदले में जो है कैश भी दे सकते हो। तो अगर आपने उसे कैश में दे दिया तो फिर वो गिफ्ट ना रह के सेकंड ट्रांजेक्शन सेल मानी जाती है। तो जब वो सेल मानी जाती है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करी है और वो 100 रुपए से ज्यादा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको जो है कराना पड़ता है। तो इसीलिए सेकंड गिफ्ट में अगर आप जो है कोई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी डोनी डोनर को दे रहा है, तो वो आपकी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रेगुलेट होती है और आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि हिबा बिल एवज में डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं है, जबकि हिबा में हमने देखा था कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन इमीडिएट होना चाहिए। अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन ही नहीं है तो वो गिफ्ट भी नहीं माना जाता, लेकिन हिबा बिल एवज में ऐसा कुछ नहीं है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं है अगर डोनर ये इंटेंशन दिखा सकता है कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं प्रॉपर्टी उसको दे दूंगा, भले ही उसने अभी डिलीवरी नहीं करी है, लेकिन उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं अपने पास नहीं रखूंगा प्रॉपर्टी, मैं डोनी को दे दूंगा, तो इतना ही जो है काफी होता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। ए और बी दो मुस्लिम ब्रदर थे। अब ए ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी जब वो मरा तो बी अपने भाई को दी और अपनी वाइफ को दे दी। तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी, बी अपने ब्रदर को और अपने वाइफ को दे दी। अब जब ए की डेथ हो जाती है तो बी क्या करता है, दो गांव उसके पास होते हैं, वो अपने ब्रदर की वीडो के नाम कर देता है। वो पूरे पूरे दो विलेज जो है अपने ब्रदर की वीडो के नाम कर देता है। अब एक गिफ्ट चली गई कि बी की साइड से ए की वीडो को। अब जो ए की वीडो होती है उसे लगता है कि अरे पूरे दो गांव मेरे नाम कर दिए गए, तो जो प्रॉपर्टी उसके शौहर की होती है
वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एक डीड लिख के अपने शोहर के ब्रदर को दे देती है। तो यहाँ पे अभी उसने वो जंगे खाली नहीं करी है, लेकिन उसकी पूरी इंटेंशन थी कि अब ये प्रॉपर्टी जो है मेरी नहीं रही है, बल्कि मेरे शौहर के भाई की हो गई है। तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पजेशन नहीं हुआ, लेकिन जो बड़े ब्रदर की बीवी थी उनकी पूरी इंटेंशन थी कि अब वो जो है मेरे शौहर के भाई की ही ये प्रॉपर्टी होगी। तो इंटेंशन ही यहाँ पे काफी था, यहाँ पे माना गया कि ये हिबा बिल इवज पूरा हुआ। इसी तरह से इसमें एक बहुत अच्छा लीडिंग केस भी है, इस्माइल वर्स इस्माइल बीवी केस जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, डोनी ने जो था किसी डोनर की प्रॉपर्टी थी उस पे बहुत सारा जो है कर्जा था। अब डोनी ने डोनर की उस सारी प्रॉपर्टी पे जो भी कर्जा था वो सारा का सारा चुका दिया। तो अब डोनर ने कहा कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी का सारा कर्जा चुका दिया है, तो जब मेरे बेटे से शादी के बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी जो है जिस पे तुमने कर्जा चुकाया है वो तुम्हारी हो जाएगी। तो वो लेकिन तब तक वो उस प्रॉपर्टी में रहता रहा। तो माना गया इसमें कि उसकी डोनर की पूरी इंटेंशन थी कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है इस्माइल बीवी को ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पजेशन जरूरी नहीं था, डोनर का बोनाफाइड इंटेंशन था कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इस्माइल बीवी की हो जाएगी। तो माना गया कि ये भी हिबा बिल एवज में ही आता है। इसकी लास्ट करेक्टरिस्टिक है कि सेल और एक्सचेंज। देखिए जो पहला गिफ्ट होता है डोनर से डोनी को जाता है वो तो गिफ्ट हुआ, अब जो दूसरा ट्रांजेक्शन होता है जब डोनी डोनर को गिफ्ट करता है तो वो या तो सेल की फॉर्म में होता है या फिर एक्सचेंज की फॉर्म में होता है। जैसे कि डोनर ने पहली गिफ्ट में डोनी को कार दी, अब बदले में डोनी ने अपना मोबाइल डोनर को दे दिया, तो प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी जा रही है, तो ये कहलाएगा आपका एक्सचेंज। लेकिन अगर डोनर ने पहले कार दी डोनी को, अब डोनी ने बाद में पैसे दिए डोनर को, उसने कोई प्रॉपर्टी ना देके पैसे दे दिए, तो वो कहलाती है सेल। तो जो दूसरा ट्रांजेक्शन है वो सेल भी हो सकता है और वो एक्सचेंज भी हो सकता है। ये सेल का भी रूप ले लेती है, इसीलिए इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर हमने ट्रांसफर किया है तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हिबा बिल एवज में क्या होता है। तो हिबा बिल एवज में पहले डोनर डोनी को कोई चीज गिफ्ट करता है और उसके बदले फिर डोनी डोनर को गिफ्ट करता है, चाहे वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे या फिर जो है कोई मनी भी गिफ्ट कर सकता है। तो ये कहलाता है पहला काइन हिबा बिल एवज। अब इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि मुस्लिम हस्बैंड को शादी के वक्त अपनी वाइफ को डोवर देना पड़ता है, तो अगर वो डोवर के बदले कोई प्रॉपर्टी अपने नाम कर देता है अपने वाइफ को और वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी करता है तो क्या वो हिबा बिल एवज में आएगी? तो ये भी हिबा बिल एवज में ही आती है, क्योंकि पहला गिफ्ट क्या हुआ कि उसे डोवर देना था, अब उस डोवर के बदले वो गिफ्ट कर रहा है तो वो हिबा बिल एवज में ही आती है। और महावीर प्रसाद वर्सेस मुस्तफा हुसैन में कहा था कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये सेल मानी जाती है, तो इसीलिए अगर बाद में आपको लगता है कि जो प्रॉपर्टी हस्बैंड ने ट्रांसफर करी है वो 100 रुपए से ज्यादा की है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा और उसका रजिस्ट्रेशन होना फिर जरूरी होगा। अब हमने पहला तो पढ़ लिया हिबा बिल एवज, अब सेकंड आता है हिबा बिल शर्तुल एवज। ठीक है, तो हिबा भी वही है एवज भी वही है, बस इसमें एक और वर्ड जुड़ गया है शर्तुल। शर्तुल को हम बोलेंगे शर्त, तो शर्त क्या होती है, कोई भी कंडीशन कोई भी स्टेपुलेशन। तो अगर गिफ्ट करते हुए हमने कोई शर्त लगा दी है तो वो फिर हिबा बा शर्तुल एवज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर डोनर ने डोनी को अपनी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करी और गिफ्ट करते ही उसने ये कंडीशन लगा दी, बिल्कुल एक्सप्रेस शर्त लगा दी
कि मैं आपको ये गिफ्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बदले में आप मुझे दूसरी चीज गिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे उसने पहले ही शर्त लगा दी और उस शर्त के बदले धोनी को कोई भी चीज उसको गिफ्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे शर्त लगी हुई है तो इसीलिए इसे हिबा बा शर्तुल एवज कहते हैं। तो इसके एसेंशियल क्या क्या होंगे, सबसे पहले देखिए देयर इज अ एक्सप्रेस कंडीशन, क्योंकि ये शर्तुल एवज है, शर्त लगी हुई है, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही आती है कि इसमें कंडीशन का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल डोनर डोनी को जो है अपनी लैंड गिफ्ट करता है और बदले में शर्त लगता है कि आपको मुझे अपनी सारी ज्वेलरी मुझे गिफ्ट करनी पड़ेगी। तो उसने शर्त लग दी कि मैं लैंड इसीलिए गिफ्ट कर रहा हूं कि आप बदले में अपनी सारी ज्वेलरी मुझे दोबारा गिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई, तो यहाँ पे ये हिबा शर्तुल एवज कहलाएगा। सेकेंड है डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नेसेसरी, कि आपने देखा था कि हिबा बिल एवज में डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं था, सिर्फ इंटेंशन ही बहुत थी, लेकिन शर्तुल एवज में आपको पोजेशन भी देना पड़ेगा। अगर आप पोजेशन नहीं देते हैं तो फिर वो आपका हिबा बा शर्तुल एवज में नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेकेंड गिफ्ट इज शर्त फॉर द फर्स्ट गिफ्ट। आपको पता ही है कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि डोनर ने अपनी लैंड डोनी को दे दी और उसने शर्त लगा दी कि इसके बदले आपको अपनी सारी ज्वेलरी मुझे देनी पड़ेगी। तो पहला गिफ्ट क्या हुआ कि डोनर ने डोनी को लैंड दिया है, अब उसकी शर्त क्या थी दूसरे गिफ्ट के लिए कि सारी आप ज्वेलरी मुझे गिफ्ट करोगे। तो सेकेंड गिफ्ट हमेशा शर्त का ही रूप होता है जो पहली गिफ्ट में लगाई गई थी। नेक्स्ट है इट इज रिवोकेबल अंटिल द एवज इज पेड। देखिए जब तक रिटर्न क्या है, जो सेकेंड शर्त हमने लगाई है, जो शर्त में हमारे को कंसिडरेशन मिलेगा, तो जब तक वो शर्त का हमने जो उसमें कंसिडरेशन मांगा है जब तक वो पेमेंट नहीं होता तब तक हम उसको रिवोक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोनर ने जो थी अपनी जो है कार डोनी को दे दी और शर्त रखी कि इसके बदले में आप मुझे अपना जो है मोबाइल फोन दोगे। तो अगर मोबाइल फोन डोनी नहीं देता है तो डोनर ने जो कार दी थी वो उसे वापस भी ले सकता है, वो अपनी पहली गिफ्ट को रिवोक भी कर सकता है। इसका लास्ट पॉइंट है इट बिकम इरिवोकेबल ऑन पेमेंट ऑफ एवज, कि अगर सेकेंड गिफ्ट पूरी हो जाती है, एवज का पेमेंट हो जाता है, तो फिर हिबा बा शर्तुल एवज जो है इरिवोकेबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर डोनर ने अपना कोई मकान डोनी को दे दिया और शर्त रखी कि इसके बदले में आप अपनी लैंड मेरे नाम करोगे, अब डोनी भी शर्त में अपनी लैंड डोनर के नाम कर देता है, तो जब वो अपनी लैंड डोनर के नाम कर देता है तो इसका मतलब पेमेंट हो गया एवज का, दूसरा गिफ्ट भी पूरा हो गया, तो अब डोनर जो उसने मकान दिया था डोनी को उसे वापस नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे हिबा जो है अब इरिवोकेबल हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हिबा बिल एवज क्या होता है और हिबा बा शर्तुल एवज क्या होता है। हिबा बिल एवज में एक गिफ्ट पहले हो जाती है और उसके बदले में डोनी दूसरी गिफ्ट करता है। हिबा बा शर्तुल में क्या होता है कि डोनर जब गिफ्ट करता है वो पहले ही शर्त लगा देता है कि मुझे ये चीज डोनी से चाहिए और फिर डोनी पहली गिफ्ट लेके फिर उस शर्त के मुताबिक वो चीज जो है डोनर को देता है। तो इसे बोलते हैं हिबा बा शर्तुल एवज। अब इसका थर्ड आती है काइंड में सदक। देखिए सदक क्या होती है, ये एक रिलीजियस धार्मिक मोटिव से होती है। जो हिबा होती है आप डोनर डोनी को किसी भी रीजन से दे सकता है, अपनी मकान प्रॉपर्टी कार मोबाइल पैसे कुछ भी दे सकता है और उसके पीछे कुछ मेंशन नहीं होता कि डोनी उसको कैसे यूज करेगा। लेकिन सदक में क्या होता है, ये धार्मिक पर्पस से ही दी जाती है और इसमें डोनी की एक्सेप्टेंस भी जरूरी नहीं होती, जबकि हिबा में तो डोनी को एक्सेप्टेंस देनी होती है
लेकिन सदक में जो डोनी होता है उसको एक्सेप्टेंस भी जरूरी नहीं होती। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पोजेशन दिया डोनी को, जैसे ही डोनर पोजेशन देता है तभी वो इररिवोकेबल हो जाती है, फिर वो अपनी हिबा को जो है रिवोक नहीं कर सकता। तो सदक आपको क्लियर हो गई, ये हमेशा डोनी को रिलीजियस नेचर की वजह से दी जाती है और इसमें डोनी की एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होती। लास्ट इसका काइंड है अरियर। देखिए अभी तक तो जो हमने हिबा के काइंड पढ़े उसमें ओनरशिप जो है ट्रांसफर की जाती है, लेकिन अरियर बिल्कुल इसका अलग है। अरियर में डोनर डोनी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, वो सिर्फ प्रॉपर्टी का जो उसका कुछ यूज करने का राइट होता है उसको ट्रांसफर करता है। जैसे कि डोनर के पास एक मकान है, अब वो किराए पे चढ़ा भी है, अब वो डोनी को मकान नहीं दे रहा है, वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है गिफ्ट में, वो सिर्फ उसको रेंट कलेक्ट करने का राइट दे रहा है कि आप इससे मकान से जो भी किराया मिलेंगे उसे अपने पास यूज कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, लेकिन मकान की ओनरशिप जो है डोनर पे ही रहेगी। तो इस तरह की गिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, अरियत बोलते हैं। क्लियर हो गया कि अरियत में ओनरशिप ट्रांसफर ना करके हम राइट टू यूज जो है ट्रांसफर करते हैं डोनी को। तो अब हम इसके एसेंशियल देखते हैं। सबसे पहला सेकंड नंबर से हम देखते हैं कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर। अरियत इसीलिए डिफरेंट होती है हिबा से क्योंकि हिबा में हम ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं डोनी को। ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद डोनी उसको कुछ भी कर सकता है, बेच भी कर सकता है, किसी को गिफ्ट भी कर सकता है, दान भी कर सकता है, लेकिन अरियत में प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं जाती तो डोनी कुछ नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ उस प्रॉपर्टी को वो यूज कर सकता है। नेक्स्ट है इट मस्ट बी फॉर डेफिनेट पीरियड। देखिए ये डेफिनेट पीरियड के लिए होती है, चाहे 5 साल, 10 साल, 1 महीना, मतलब कोई ना कोई पीरियड इसमें एक दिया होता है और वो उस डेफिनेट पीरियड तक ही डोनी उसे यूज कर सकता है। नेक्स्ट है इसका इट डज नॉट डिवॉल्व अपॉन द हियर ऑफ द डोनी ऑन हिज डेथ। अब जैसे आपने मकान, डोनर ने मकान यूज करने का राइट डोनी को दे दिया कि आप इसमें रह सकते हैं लेकिन ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी, अगर डोनी की डेथ हो जाती है तो फिर डोनी के जो हियर है, जो उसके लीगल वारिस है, उस पर वो मकान नहीं जाएगा क्योंकि डोनी के पास ओनरशिप नहीं है, उस पर सिर्फ राइट टू यूज ही है। लास्ट है इसका इट कैन बी रिवोक। अरियत को डोनर जो है रिवोक भी कर सकता है। तो ये थे अरियत के एसेंशियल। तो आज के लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पहली काइंड है हिबा बिल एवज, दूसरी काइंड है हिबा बा शर्तुल एवज, तीसरी काइंड है सदक और फोर्थ है अरियत। तो सबकी करेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग अलग है, तो बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज मैंने आपको विद एग्जांपल इसे क्लियर कर दिया है। आई डू होप कि अब आपसे काइंड्स ऑफ हिबा पूछे जाए तो आप बहुत आसानी से जो है बता देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।